पत्र देव दानव दलन जय जय मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित देव राम कथा के ऋषि हनुमान जी महाराज ज्ञान बुद्धि के भंडार बल के भंडार हमारे हनुमान जी महाराज है जो कहना है और मायजनी के लाल लाल के चर्चे बड़े कमाल आपका क्या कहना और मायजनी के लाल लाल के चर्चे बड़े कमाल सभी बड़े किस्मत वाले जिन्होंने मां रेवा की गोद में जन्म लिया है, जिनके केवल दर्शन मात्र करने से ही जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी पतित पावनी मां रेवा अमरकंठ से पावन धार लेकर बह रही है। उनके चरणों की वंदना घाट घाट की महिमा न्यारी होती जय जयकार जय हो मेरी नर्मदे मैया साधु संतों का घाटों पर कमाड़ा लगा रहता है, मैया की देवा के ऊपर बड़ी कृपा होती है। इसलिए भैया जब भी
घड़ी आए माँ रेवा का ध्यान कर लो। और माई रेवा जपो, और माई रेवा जपो, रेवा जपो मोरी माई नरमदार। सावन का महीना चल रहा भैया, चारों ओर भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसे ओगरदानी भगवान भोलेनाथ हैं, जिनके दरबार में बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो धन धन भोलेनाथ कमीना कोई आपके खजाने में, और हम सबको बसाया बस्ती में, और आप बसे में। इसलिए कहना है हर हे गंगधारी हे त्रिपुरारी, और महिमा तुम्हारी दुनिया से हर सबो सबो हे गंगधारी हे त्रिपुरारी।
सम्मानीय अंकित जी योगी मित्र मंडली आपकी ओर से भी 100 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे परमादरणीय सम्मानीय माखन सिंह जी कोटखड़ी आपकी ओर से भी 100 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दादा परदादा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जो राशि मिली है उस प्रकार है, श्री नर्मदा प्रसाद जी पाल 51 रुपए की राशि,